भाई बूढ़ी हड्डियां गिर गई थी तो हड्डी टूट गई। तो मैं जाऊंगी उनसे मिलने। अच्छा किया, मुश्किल की घड़ी बिना देखे गुजर गई। बहुत अच्छा हुआ, तुमने ही तो कहा था कि अगर मैंने समीर से शादी कर ली तो तुम मुझे गोल्ड मेडल पहनाओगी। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुमने मेरे सामने तो कहा था। जरा अपने जोग्राफी पे भी नजर डाल लो, माशाल्लाह तुम भी दिन पर दिन बड़ी वसी और अरीज होती जा रही हो। वैसे मुबारकपुर से फोन था, अम्मा गिर गई है, उनकी कूले की हड्डी से लग गई है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। दिमाग खिसक गया तुम्हारा। अरे समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर लगता है तुम्हारी समझ बूझ कुछ काम ही नहीं करती। अब क्या हो गया? मैंने सुना है कि तुम सलमा को साथ लेकर पिकनिक मनाने जा रहे हो। जी, इरादा किया था मैंने लेकिन कैंसिल कर दिया मैंने। चलो ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से उठो और तैयार होकर ऑफिस चले जाओ। अरे ऑफिस में काम काज करोगे तो हिना का ख्याल तक नहीं आएगा। एक तो ये अम्मी के ऑफिस जाने का टाइम निकल गया, और दूसरी बात मैंने एक हफ्ते की छुट्टियां ले ली। हेलो, अरे मुझसे तो तुम्हारा एक दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर बैठ गए मौसूफ। तो क्या करता अम्मी, मैं सही तरह से ऑफिस में काम नहीं कर पाता मैं, और बॉस की डांट अलग सुननी पड़ती। अरे तुम तो नौमर लड़कों की तरह एक लड़की के प्यार को दिल का रोग बनाकर बैठ गए हो। कम से कम शाहरुख अपनी उम्र के हिसाब से ही संजीदगी का मुजाहिरा कर लो। अगर ऑफिस में ज्यादा संजीदा रहो तो बॉस डांटने लगते हैं। उनका ख्याल है कि ऑफिस में संजीदा रहना सिर्फ बॉस का हक है। देखो बेटा, मैं ऑफिस की नहीं जिंदगी में संजीदा रहने की बात कर रही हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम एक हफ्ता गुजारोगे कहाँ? अरे घर में तो तुम्हारा दिमाग खराब होता है। हम इसीलिए तो मैं शहर से कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये अम्मी कि मैं सलमा के साथ हैदराबाद जाऊंगा, खाला के पास रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। कोई जरूरत नहीं है हैदराबाद जाने की। हैदराबाद में क्या प्रॉब्लम है अम्मी? अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी अपनी बहन है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसके लक्षण को। बेटा तुम्हें ऐसा ताबीज घोल कर पिलाएगी ना कि कराची का रास्ता भूल जाओगे। अरे इतनी पहुंची हुई है खाला जान, पहले बताया होता आपने। अच्छा तो पहले क्या कर लेते तुम? हाय, महबूब को कदमों में लाने का तावीज ही ले लेता मैं। मोहब्बत तावीज से नहीं मिला करती बेटा, मोहब्बत तो तकदीर से मिला करती है। है ना? हाँ? चेंज कर लो ना, फिर बाहर चलते हैं कहीं। नहीं समीर, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं थक भी गई हूँ, मैं नहीं जा रही। वैसे भी रात को अम्मी के घर जाना है। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती। कहाँ लेके जाओगे समीर, बाहर गर्मी देखी। गर्मी तो उस वक्त भी होती थी जब तुम यूनिवर्सिटी से मुझसे मिलने आती थी। अच्छा तो अब आप मुझे ताने मार रहे हैं। अरे मैं क्यों ताने दूंगा, बस एक वैसी बात याद करवा दी। चलो तुम्हारी मर्जी है, अगर नहीं जाना तो रेस्ट करते हैं। अरे अब कहाँ नींद आई, मुझे थोड़ी देर दे, मैं तैयार हो जाऊं फिर चलते हैं। नींद क्यों नहीं आएगी? नींद इसलिए नहीं आएगी कि रह रहकर मुझे ख्याल आता रहेगा कि मैंने आपका हुक्म टाल दिया। हंस क्यों रहे? तुम्हारी हुक्म वाली बात पर, तुम मेरी गुलाम थोड़ी हो, मेरी बीवी हो, तुम्हारा जो दिल चाहे मुझे कह दिया करो। और वैसे भी बाहर जाने का प्लान मेरा भी कैंसिल हो गया। अरे भाई क्यों? बाहर गर्मी जो बहुत है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी खूबसूरत सी दुल्हन का रंग रूप झुलस जाए। अच्छा। अच्छा चलो तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। जल्दी आना।
अरे सना, अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी मैं यही सोच रही थी कि आज शाम की दावत में क्या बनाया जाए। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज आपकी किचन से छुट्टी है, सारे खाने मैं बनाऊंगी। मुनावजी, ये हम लड़कियों का ही मुकद्दर क्यों होता है अपने घर को छोड़ के जाना? माँ बाप भाई बहन सबसे दूर लड़की का ही मुकद्दर क्यों? हमारी रीत रिवायत सकाफत और हमारा दीन यही हुक्म देता है कि औरत ने कुर्बानी देनी होती है। क्या हम ये रस्म व रिवाज चेंज नहीं कर सकते? हो सकता है, रस्म व रिवाज तो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, पर हमारा दीन तो नहीं। हर हमारे पैगंबर की सुन्नत है कि बेटियों को रुखसत किया जाता है, और सोचो कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज ना तुम होती ना मैं होती। मोना बाजी, मुझे अब्बू याद आ रहे हैं। वो तो मुझे भी बहुत याद आ रहे हैं, और साथ साथ मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब दिलावर अंकल हमें इतना प्यार दे सकते हैं, तो अगर हमारे सगे अब्बू होते वो हमसे कितना प्यार करते। वाकई हम कितने लकी हैं ना, क्या हमारा सौतेला बाप भी हमसे उतना ही प्यार कर रहा है कि जितना हमारा सगा बाप हमसे करता। लेकिन कुछ लोग कितना गलत सोचते हैं ना बेटियों के बारे में। शायद वो ये नहीं जानते कि अल्लाह की रहमत उसकी नेमत से हजार दर्जे बेहतर होती है। तो फिर लोग इस रहमत से क्यों भागते हैं? उनकी कम अकली के सिवा इस बात को और क्या कहा जा सकता है। तुम्हें अब्बू की बहुत याद आ रही है ना? चलो एक काम करते हैं, अम्मी अब्बू को फोन करते हैं। फोन दो, ऊपर है, चले ऊपर चल के करते हैं। चलो। मुझे सब पता है कि तुम किसके कहने पे उछल रही हो। अभी उछली कहाँ हूँ, और दुआ करें कि ना उछलूं, वरना मेरी फ्लाइंग किक की ना हैदराबाद में बड़ी धूम थी। हाँ राबी, मेरी आज ससुराल में दावत है, वहाँ मेरा हर हाल में जाना जरूरी है। तुम्हारा जाना जरूरी तो नहीं, वैसे भी तुम क्या करोगे जाकर? तुम्हारी सास तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। देखे खाना, कभी सलमा ने ना हैदराबाद में भी धमकियां नहीं सुनी, और कराची में तो कोई उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। हाँ मुझे सब पता है कि तुम किसके कहने पे उछल रही हो। अभी उछली कहाँ हूँ, और दुआ करें कि ना उछलूं, वरना मेरी फ्लाइंग किक की ना हैदराबाद में बड़ी धूम थी। हाँ अच्छा बस, अब अपनी पहलवानी के किस्से बंद करो, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई थी। हाँ सुनाए। शाहरुख ने ना पूरे एक हफ्ते की छुट्टी ले ली है दफ्तर से। पता है, और हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहा है। क्या, ये तो चिटिंग है खाला, वो अपना खर्चा बचाने के लिए हैदराबाद घूमने के प्रोग्राम बना रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ जाने भी कौन देगा उसे, अब इतने दिन से ना मजार का जाने का दिल में अरमान है, और मैंने तो आज शम से चाट भी बनवा ली है, बल्कि चाय भी थर्मस में रेडी करवा ली है। हाँ तो तुम ही जाके समझाओ ना। अरे मेरी तो सुनता नहीं है वो। हाँ तो ठीक करता है ना, सुनकर करेगा भी क्या, एक अंडा तक तो बॉयल करना आता नहीं है उसे। अच्छा तुम मेरा दिमाग बॉयल मत करो, और बेला फुसला कर उसे हैदराबाद जाने से रोको। ये तो सलमा के बाएं हाथ का काम है, देखे कैसे उसको हैदराबाद जाने से रोकती हूँ मैं। हाँ देखती हूँ कितने बाएं हाथ का काम है। हिना कहाँ है? सो रही है। चलो अच्छी बात है, सोने दो उसको, वैसे भी आज लेट नाइट पार्टी चलेगी तो वो भी एंजॉय करेगी। पार्टी? कैसी पार्टी? तुम्हारी शादी की खुशी में, और कैसी। मैंने सबको मैसेज कर दिया है, आज तुम्हारे घर में मैंने पार्टी रखी है। लेकिन राबी, तुम खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत करो, ये पार्टी मेरी तरफ से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता।
पूछना कैसा? तुम्हारा तो कोई प्लान है नहीं वलीमे का, तो मैंने सोचा छोटी सी दावत कर लेते हैं, अच्छी गैदरिंग हो जाएगी। राबी, मेरी आज ससुराल में दावत है, वहां मेरा हर हाल में जाना जरूरी है। तुम्हारा जाना जरूरी तो नहीं, वैसे भी तुम क्या करोगे जाकर? तुम्हारी सास तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। देखो, मेरी सिस्टर्स इन लॉ आई थी मुझे इनवाइट करने के लिए, अगर मैं ना गया तो क्या सोचेंगे वो लोग? तुम उनके मुलाजिम तो नहीं हो, दामाद हो, दामादों वाले नखरे दिखाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम उनकी मर्जी पे चलोगे तो सारी जिंदगी उनके पीछे दुम हिलाते रहोगे। चलो, अगर तुम्हें हिना पसंद भी आ गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनके पूरे घर वालों की बात मानते फिरो। बात ये नहीं है राबी, कोई शादी वगैरह की रस्मी दावत होगी। शादी ऐसी होती है? शादी मेरे नजदीक तो सिर्फ एक डील थी, 10 लाख रुपए और एक घर, उसके बदले में तुम हिना को यहाँ ले आए। प्लीज राबी, ऐसी बातें मत किया करो और अपनी हद में रहो। अच्छा समीर, एक तो तुम्हारी दोस्ती भी निभाऊं और तुम्हारी बातें भी सुनूं, ठीक है? फाइन, मैं पार्टी कैंसिल कर देती हूँ, मना कर देती हूँ सबको, क्योंकि समीर साहब तो पहले दिन ही जोरू के गुलाम हो गए। अच्छा राबी, बैठो, मेरी बात सुनो, बैठो। शाहरुख, मैं तैयार हूँ, चलें? चलते हैं, लेकिन हैदराबाद जाएंगे। क्या, तुम्हारी फटपटी ठीक से कायदा से मजार तो जा नहीं सकती? हैदराबाद जाने में तो सदियां लग जाएंगी ना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे हैदराबाद जाना है। मैं भी मजाक नहीं कर रही, तुम्हारी बाइक 10 किलोमीटर चलने के बाद तक तो खराब हो जाती है, अब तुम खुद सोचो भला कैसे जाओगे। कोच में मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे कोई जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस कायद आजम के मजार जाना है। हाँ तो ठीक है, फिर अकेली चली जाओ। अकेली चली जाऊं? वैसे जब मैं तैयार होकर निकलती हूँ ना, लड़के मुझे छेड़ते हैं, अब मेरे साथ किसी मर्द का होना जरूरी है ना। तुम चलो प्लीज। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तुम शम्स भाई के साथ चली जाओ। क्या, ये तो वही बात हुई ना, दूध की रखवाली पर बिल्ली के हवाले। दूसरे तो मुझे बाद में छेड़ेंगे, वो मनुष्य ठरके बुड्ढा शम सबसे पहले मुझे छेड़ेगा। अरे तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तुमने क्या मुझे हिना समझ रखा है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मरते दम तक तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। अच्छा, कितनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? दादू, जितनी गंजे को बालों से, कसाई को खालों से और भंगी को नालों से। सद किया तुम्हारी मिसालों के, चलो मजारे कायदी चलते हैं। सच्ची? शाहरुख, यू आर टू गुड, थ्री गुड, फोर गुड, वहां बड़े मजे आएंगे, चलो। अरे चलो ना, फ्रेश होके बाहर आओ, जरूरी बात भी करनी है। समीर, जरूरी बातें बेडरूम की चार दीवारी में अच्छी लगती हैं, किसी गैर औरत के सामने मुझे अपनी जरूरी बातें करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर, शाहरुख फिर बगैर इत्तला दिए हुए छुट्टी पर चला गया। शाहरुख की कॉल आई थी मेरे पास। हाल न जाने मेरा दुन। हर वक्त तुम गाने गाते रहते हो, तुमसे कितनी हजार मरतबा कहा है कि सबसे पहले मेरी सीट साफ किया करो,
लेकिन तुम्हारे गाने ही खत्म नहीं होते। अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाके एक कप चाय बना के लेकर आओ। जी अभी लाता हूं। पता नहीं कैसा इंसान है, काम में तो दिल लगता ही नहीं है इसका, हर बात गाने गाने गाने। कैसी हो कोमल? मैं ठीक हूँ। और क्या रिपोर्ट है? सब ओके है सर, लेकिन सर शाहरुख फिर बगैर इत्तला दिए हुए छुट्टी पर चला गया। शाहरुख की कॉल आई थी मेरे पास, उसे अपने किसी पर्सनल काम से हैदराबाद जाना पड़ गया, कह रहा था 3-4 दिन में वापस आ जाएगा। सर हैदराबाद, ऐसा भी क्या काम हो गया? मेरे ख्याल में कोई शादी वादी का चक्कर। हाँ बल्कि तुमने ही तो कहा था हैदराबाद से उसकी कोई खालादाद आई हुई उससे शादी के सिलसिले में, शायद वही चक्कर हो। मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। क्या मतलब? सर मेरा मतलब है कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। सर ये ऑफिस है, कोई खाला का घर नहीं है कि जब दिल चाहा उठाकर चला गया। सर आप उसकी सैलरी काट लीजिएगा। गुड आइडिया, अगर उसने शादी की दावत नहीं दी ना तो उसकी सैलरी काट लूंगा मैं। ये क्या बात हुई, इस तरह तो ऑफिस का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, तुम ही बता दो। सर अगर उसने मेरे अलावा, मेरा मतलब है कि सर अगर उसने मेरे इल्म में लाए बगैर शादी कर ली ना तो तब तो आपको उसकी तनख्वाह काटनी होगी। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर महीने मुख्तलिफ कटौतियों के जरिए तुम काफी पैसे बचा लेती हो मेरे। थैंक यू सर। वैसे तुम कल रात शादी में बहुत अच्छी लग रही थी। रियली सर? सर आपने मुझे देखा था क्या? सर आपको पता है वो सूट मैंने पूरे 6,000 का लिया था। काफी जच रहा था तुम पर। मजाक कर रहे ना? अरे नहीं, इसमें भला मजाक की क्या बात है। एक काम करो, तुम जरा मेरे रूम में आओ, बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं। शाहरुख। हिना तुम कब जागी? सभी कुछ देर पहले मेरी आंख खुली है। क्या मतलब? कुछ नहीं। कहाँ थे आप? लाउंज में था, राबी आई है शादी की मुबारकबाद देने। और तुम्हें पता है लंच भी आज उसी ने बनाया है। आपने तो खा लिया होगा खाना। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं भला अपनी जान के बगैर कैसे खा सकता हूँ। बल्कि तुम भी बाहर आओ ना, तुम्हारी उससे बकायदा मुलाकात करवाता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। मुझसे भी अच्छी है समीर। क्या हो गया तुम्हें हिना? सोने से पहले तो बिल्कुल ठीक थी, कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? मैंने तो बस एक ही ख्वाब देखा था, अब डर लगता है कहीं वो डरावना ना हो जाए। कम ऑन हिना, फ्रेश होके बाहर आओ, जरूरी बात भी करनी है। समीर जरूरी बातें बेडरूम की चार दीवारी में अच्छी लगती है, किसी गैर औरत के सामने मुझे अपनी जरूरी बातें करना अच्छा नहीं लगता। अरे वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, हमारे यहाँ ऐसे चलता है। लेकिन मैं दकियानूसी ख्यालात की हूँ, हमारे बीच किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। चंद दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हारे ये ख्यालात बदल जाएंगे। अब जल्दी से बाहर आओ। ओके आप चले, मैं आती हूँ। ये घर अब समीर का कहाँ रहा, इसने तुम्हारे नाम करके अपने हाथ पांव कटवा लिए। हिना इसकी बात को सीरियस मत लेना, ये ऐसी बातें करती है। अच्छा छोड़ें हंसी मजाक। हाँ। रात का क्या प्लान है? हिना आप ही को, दूल्हा भाई को भी आना है खाने पे। एक तो हिना की फेवरेट डिश बना लेते हैं, अब मीठे का मशवरा तुम दे दो। किसने कहा तुम्हें कि हम नहीं जा रहे? ऐसे जाने का क्या फायदा सुनो, मुझे वहाँ छोड़ के आप तो वापस यहाँ अपने फ्रेंड्स में आ जाएंगे। हिना का तो आने दो। हिना नहीं आ रही। क्या है यार, ये पार्टी मैंने तुम दोनों के लिए दी है, और अगर हिना नहीं आएगी तो पार्टी कैंसिल।
का टाइम निकल गया, और दूसरी बात मैंने एक हफ्ते की छुट्टियां ले ली। हेलो, अरे मुझसे तो तुम्हारा एक दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर बैठ गए मौसूफ। तो क्या करता अम्मी, मैं सही तरह से ऑफिस में काम नहीं कर पाता मैं, और बॉस की डांट अलग सुननी पड़ती। अरे तुम तो नौमर लड़कों की तरह एक लड़की के प्यार को दिल का रोग बनाकर बैठ गए हो। कम से कम शाहरुख अपनी उम्र के हिसाब से ही संजीदगी का मुजाहिरा कर लो। अगर ऑफिस में ज्यादा संजीदा रहो तो बॉस डांटने लगते हैं। उनका ख्याल है कि ऑफिस में संजीदा रहना सिर्फ बॉस का हक है। देखो बेटा, मैं ऑफिस की नहीं जिंदगी में संजीदा रहने की बात कर रही हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम एक हफ्ता गुजारोगे कहाँ? अरे घर में तो तुम्हारा दिमाग खराब होता है। हम इसीलिए तो मैं शहर से कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये अम्मी कि मैं सलमा के साथ हैदराबाद जाऊंगा, खाला के पास रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। कोई जरूरत नहीं है हैदराबाद जाने की। हैदराबाद में क्या प्रॉब्लम है अम्मी? अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी अपनी बहन है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसके लक्षण को। बेटा तुम्हें ऐसा तावीज घोल कर पिलाएगी ना कि कराची का रास्ता भूल जाओगे। अरे इतनी पहुंची हुई है खाला जान, पहले बताया होता आपने। अच्छा तो पहले क्या कर लेते तुम? हाय, महबूब को कदमों में लाने का तावीज ही ले लेता मैं। मोहब्बत तावीज से नहीं मिला करती बेटा, मोहब्बत तो तकदीर से मिला करती है। हेना, हाँ? चेंज कर लो ना, फिर बाहर चलते हैं कहीं। नहीं समीर, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं थक भी गई हूँ, मैं नहीं जा रही। वैसे भी रात को अम्मी के घर जाना है। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती। कहाँ लेके? देखिए खाना, कभी सलमा ने ना हैदराबाद में भी धमकियां नहीं सुनी, और कराची में तो कोई उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। हाँ मुझे सब पता है कि तुम किसके कहने पे उछल रही हो। अभी उछली कहाँ हूँ, और दुआ करें कि ना उछलूं, वरना मेरी फ्लाइंग किक की ना हैदराबाद में बड़ी धूम थी। हाँ अच्छा बस, अब अपनी पहलवानी के किस्से बंद करो, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई थी। हाँ सुनाए। शाहरुख ने ना पूरे एक हफ्ते की छुट्टी ले ली है दफ्तर से, पता है, और हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहा है। क्या, ये तो चीटिंग है खाला, वो अपना खर्चा बचाने के लिए हैदराबाद घूमने के प्रोग्राम बना रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ जाने भी कौन देगा उसे, अब इतने दिन से ना मजारे का जाने का दिल में अरमान है, और मैंने तो आज शम से चाट भी बनवा ली है, बल्कि चाय भी थर्मस में रेडी करवा ली है। हाँ तो तुम ही जाके समझाओ ना। अरे मेरी तो सुनता नहीं है वो। हाँ तो ठीक करता है ना, सुनकर करेगा भी क्या, एक अंडा तक तो बॉयल करना आता नहीं है उसे। अच्छा तुम मेरा दिमाग बॉयल मत करो, और बेला फुसला कर उसे हैदराबाद जाने से रोको। ये तो सलमा के बाएं हाथ का काम है, देखें कैसे उसको हैदराबाद जाने से रोकती हूँ मैं। हाँ देखती हूँ कितने बाएं हाथ का काम है। हिना कहाँ है? सो रही है। चलो अच्छी बात है, सोने दो उसको, वैसे भी आज लेट नाइट पार्टी चलेगी तो वो भी एंजॉय करेगी। पार्टी? कैसी पार्टी? तुम्हारी शादी की खुशी में, और कैसी। मैंने सबको मैसेज कर दिया है, आज तुम्हारे घर में मैंने पार्टी रखी है। लेकिन राबी, नहीं जाओगे समीर? बाहर गर्मी देखी। गर्मी तो उस वक्त भी होती थी जब तुम यूनिवर्सिटी से मुझसे मिलने आती थी। अच्छा तो अब आप मुझे ताने मार रहे हो। अरे मैं क्यों ताने दूंगा, बस एक वैसी बात याद करवा दी। चलो तुम्हारी मर्जी है, अगर नहीं जाना तो रेस्ट करते हैं। अरे अब कहाँ नींद आई, मुझे थोड़ी देर दे, मैं तैयार हो जाऊँ फिर चलते हैं। नींद क्यों नहीं आएगी? नींद इसलिए नहीं आएगी कि रह रहकर मुझे ख्याल आता रहेगा कि मैंने आपका हुक्म टाल दिया।
हंस क्यों रहे? तुम्हारी हुक्म वाली बात पर, तुम मेरी गुलाम थोड़ी हो, मेरी बीवी हो, तुम्हारा जो दिल चाहे मुझे कह दिया करो। और वैसे भी बाहर जाने का प्लान मेरा भी कैंसिल हो गया। अरे भाई क्यों? बाहर गर्मी जो बहुत है और मैं नहीं चाहता कि मेरी खूबसूरत सी दुल्हन का रंग रूप झुलस जाए। अच्छा अच्छा चलो तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। अरे सना, अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी मैं यही सोच रही थी कि आज शाम की दावत में क्या बनाया जाए। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज आपकी किचन से छुट्टी है, सारे खाने मैं बनाऊंगी। मुनव्वरजी, ये हम लड़कियों का ही मुकद्दर क्यों होता है अपने घर को छोड़ के जाना? माँ बाप भाई बहन सबसे दूर लड़की का ही मुकद्दर क्यों? हमारी रीत रिवायत सकाफत और हमारा दीन यही हुक्म देता है कि औरत ने कुर्बानी देनी होती है। क्या हम ये रस्म रिवाज चेंज नहीं कर सकते? हो सकता है, रस्म रिवाज तो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, पर हमारा दीन तो नहीं। हर हमारे पैगंबर की सुन्नत है कि बेटियों को रुखसत किया जाता है, और सोचो कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज ना तुम होती ना मैं होती। मोना बाजी, मुझे अब्बू याद आ रहे हैं। वो तो मुझे भी बहुत याद आ रहे हैं। और साथ साथ मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब दिलावर अंकल हमें इतना प्यार दे सकते हैं, तो अगर हमारे सगे अब्बू होते वो हमसे कितना प्यार करते। वाकई हम कितने लकी हैं ना, क्या हमारा सौतेला बाप भी हमसे उतना ही प्यार कर रहा है कि जितना हमारा सगा बाप हमसे करता। लेकिन कुछ लोग कितना गलत सोचते हैं ना बेटियों के बारे में। शायद वो ये नहीं जानते कि अल्लाह की रहमत उसकी नेमत से हजार दर्जे बेहतर होती है। तो फिर लोग इस रहमत से क्यों भागते हैं? उनकी कम अकली के सिवा इस बात को और क्या कहा जा सकता है। तुम्हें अब्बू की बहुत याद आ रही है ना, चलो एक काम करते हैं, अम्मी अब्बू को फोन करते हैं। फोन दो, ऊपर है, चले ऊपर चल के करते हैं। चलो। मुझे सब पता है कि तुम किसके कहने पे उछल रही हो। अभी उछली कहाँ हूँ, और दुआ करें कि ना उछलू, वरना मेरी फ्लाइंग किक की ना हैदराबाद में बड़ी धूम थी। हाँ राबी, मेरे आज ससुराल में दावत है, वहाँ मेरा हर हाल में जाना जरूरी है। तुम्हारा जाना जरूरी तो नहीं, वैसे भी तुम क्या करोगे जाकर? तुम्हारी सास तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। भाई बूढ़ी हड्डियां गिर गई थी तो हड्डी टूट गई। तो मैं जाऊंगी उनसे मिलने। अच्छा किया, मुश्किल की खड़ी बिना देखे गुजर गई, बहुत अच्छा हुआ। तुमने ही तो कहा था कि अगर मैंने समीर से शादी कर ली तो तुम मुझे गोल्ड मेडल पहनाओगी। अरे हाँ मुझे याद आया,
तुमने मेरे सामने तो कहा था। जरा अपने जोग्राफिये पे भी नजर डाल लो, माशाल्लाह तुम भी दिन ब दिन बड़ी वसी और अरीज होती जा रही हो। वैसे मुबारकपुर से फोन था, अम्मा गिर गई है, उनकी कूले की हड्डी से लग गई है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। दिमाग खिसक गया तुम्हारा। अरे समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर लगता है तुम्हारी समझ बूझ कुछ काम ही नहीं करती। अब क्या हो गया? मैंने सुना है कि तुम सलमा को साथ लेकर पिकनिक मनाने जा रहे हो। जी, इरादा किया था मैंने, लेकिन कैंसिल कर दिया मैंने। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से उठो और तैयार होकर ऑफिस चले जाओ। अरे ऑफिस में काम काज करोगे तो हिना का ख्याल तक नहीं आएगा। एक तो ये अम्मी के ऑफिस जाने